This is Javed and you are watching our YouTube channel Last Night Study, जहाँ हम लोग informative videos लेकर आते हैं. So basically आज आपके सामने home rule league. जी हाँ दोस्तों, history का एक widest topic माना जाता है home rule league. So अगर if you guys are preparing for any competitive exams or else any academic level exams, तो ये video आपके लिए ज़रूर fruitful साबित होगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. So जानेंगे कि home rule league basically है क्या, किन लोगों ने पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए होम रूल लीग को एस्टैब्लिश किया, राइट? और होम रूल लीग के क्या फ़ायदे हुए इंडियन पॉलिटिकल स्टेज को लेकर, और किस तरीके से ये इसने अपना काम किया वगैरह वगैरह, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एंड दैट एक्चुअली इट्स डिक्लाइन इन द ईयर 1918, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट होम रूल लीग, थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर होम रूल लीग को लेकर, इसके एस्टैब्लिशमेंट को लेकर और साथ ही साथ इसके फाउंडर को लेकर, राइट? किसका फाउंडर है, कौन, वगैरह वगैरह, इस तरीके से वो मैं क्लियर किया देता हूं आपको. यहां पर कहीं ना कहीं यूनानिमसली दो जगह जो है इसको देखा जा सकता है इसके एस्टैब्लिशमेंट को लेकर. एक जो कि अप्रैल 1916 में और एक सेप्टेंबर 1916, राइट? रिस्पेक्टिवली. तो ये पहला जो अप्रैल वाला मामला होता है, ये होता है बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ दोस्तों, ये एक कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर में से एक थे, जिनका मानना था कि लाइक ब्रिटिश से कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस की तलब रखने वालों में से एक थे. ये मतलब ऐसा है कि अगर ब्रिटिश एक मारेंगे तो हम दो मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं ब्रिटिश को किसी भी तरीके से. और ये ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस लेने के लिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को आजाद कराने में इनका कहीं ना कहीं योगदान देखा जा सकता है, राइट? इस तरीके से दूसरी तरफ एनी बेसेंट का नाम ले सकते हैं हम लोग. अब इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों. ये एक आयरिश ओरिजिन से रिलेट करती है एनी बेसेंट, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर है, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर है. और यहाँ पर इंडिपेंडेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित ये भी थी हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं. सो जॉइंटली एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का एफर्ट रहा है होम रूल लीग को लेकर एस्टैब्लिश करने में, राइट? अगर होम रूल लीग के बारे में बात करें कि व्हाट इज होम रूल लीग एक्चुअली, सो द आंसर इज वेरी सिंपल दैट in the year 1914, as we know that the World War had started, और कहीं ना कहीं एक यू नो 1915 से एक नया नेशनलिज्म का कहीं ना कहीं आगाज हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में. तो इस तरीके से कुछ लोगों ने महसूस किया कि ये अब सही कंटेक्स्ट है कि जो यू नो कांग्रेस स्प्लिट भी हुई थी एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स को लेकर, अब एक प्लेटफॉर्म में उनको लाया जाए और होम रूल मूवमेंट को चलाया जाए. एक ये एक दरअसल होम रूल एक मूवमेंट था बेसिकली. होम रूल मूवमेंट कहने का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर ये लोग कहीं ना कहीं प्रपोजल दे रहे थे, मुतालबा कर रहे थे, राइट? सो दिस इज द थिंग. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. मेनली बैकग्राउंड के बारे में बात की जाती है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैकग्राउंड. राइट? तो बैकग्राउंड में सबसे पहले लिख सकते हैं दोस्तों, नंबर वन, इंडियन होम रूल वॉज अ मूवमेंट बिगैन इन इंडिया इन द बैकग्राउंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर वन, राइट? अब देखिए यहां पर सिंपल सी बात है कि वर्ल्ड वॉर वन किस तरीके से यू नो इंडियन पीपल या फिर इंडियन लीडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है. वो इस तरह कि जाहिर सी बात है, अगर आप जख्मी हो तो आपको हराना और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा. अगर आपके हाथ टूटे हुए, पैर टूटे हुए, तो जाहिर सी बात है आपको मारना और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा. तो ब्रिटिश एट दैट टाइम वॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व, कहां पर, वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी इन्वॉल्व थी, और इसकी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यू नो ठप करने की कोशिश की जा रही थी. क्यों? क्योंकि बेसिकली ये लोग अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन चाहते थे गवर्नमेंट में, राइट? और 1909 में जैसा कि पता है कि मोले मिंटो रिफॉर्म्स हुई थी,
इंडिया को दिखाने के लिए एक रिफॉर्म था, लेकिन ये रिफॉर्म था नहीं, बेसिकली ये एक्ट हिंदुस्तानियों के जो क्या कहते हैं डिससेटिस्फाई किया था कहीं ना कहीं 1909 का एक्ट, और उस कंटेक्स्ट को लेकर वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक पॉलिटिकल सिनेरियो में एक नए नेशनलिज्म को यू नो सामने प्लेटफॉर्म में रखा जाए, राइट। तो और साथ ही साथ बाद में गांधी जी के कदम रखने से, इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में गांधी जी के कदम रखने से भी कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा बढ़ावा तो मिला था, राइट। तो दूसरा अगर पॉइंट अगर आप लिख सकते हैं तो डैट इज फेलियर ऑफ द मोर्ले मिंटो एक्ट ऑफ 1909। या दोस्तों 1909 का मोर्ले मिंटो एक्ट को पास किया गया था 19 जो कि हिंदुस्तानियों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन के बारे में प्रपोजल दे रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट। अब तीसरा सबसे बड़ा जो रीजन होता है दोस्तों वो होता है एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। यानी किन लीडरशिप के बारे में बात कर रहा है, यानी हिंदुस्तानियों का खुद का लीडरशिप जो है उन चीजों के बारे में ये बात करता नजर आ रहा है। तो एब्सेंस ऑफ लीडरशिप ड्यू टू स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस। हम लोगों को पता है कि सूरत स्प्लिट हुआ था, है ना, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, वहां से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स लीडर अलग अलग हो गए थे, राइट। तो दोनों का अलग अलग मोटिव था, तो मोटिव को लेकर ही कहीं ना कहीं ये झगड़ा हुआ, है ना। तो आखिरकार अब कुछ सालों के बाद बाल गंगाधर तिलक या फिर कुछ और बड़ी पर्सनैलिटीज है, नाम बता दूंगा आपको, जैसा कि और भी बहुत बड़े 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 पॉलिटिकल लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली जिन्ना, सुब्रमण्य अय्यर, है ना, सत्येंद्रनाथ बोस वगैरह, ये जो बड़े लीडर्स थे, इन्होंने कहीं सोचा कि क्यों नहीं जितने भी पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए, है ना। और आखिरकार ब्रिटिश की जड़ें ऑलरेडी कमजोर हो रही है तो उसको और ज्यादा कमजोर किया जाए, तो ये मूवमेंट को आखिरकार लॉन्च किया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फाउंडेशन के बारे में, राइट। तो बैकग्राउंड भी समझ में आया, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है यहां पर हम लोगों का, दूसरा है कंटेक्स्ट ऑफ मोर्ले मिंटो एक्ट ऑफ 1909, है ना, और स्प्लिट बताया था मैंने कांग्रेस का, क्योंकि अच्छी लीडरशिप नहीं थी तो कांग्रेस का ऑलरेडी वहां पर क्या कहते हैं उसको अलग अलग ग्रुप में ये लोग खुद को बांट चुके थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के नाम से, लेकिन चूंकि एक नेशनलिस्ट फेज स्टार्ट हुआ था 1915 से, एक नया सेंस ऑफ नेशनलिज्म कह सकते हैं आप, तो यहां पर इन तमाम कंटेक्स्ट को देखकर मूवमेंट को चलाने के बारे में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने सोचा, आखिरकार होम रूल लीग बनता नजर आ रहा है, पहला जो 1916 में बना, दोनों ही 1916 में बना लेकिन अलग अलग महीने में बना, एक अप्रैल में बना और एक सितंबर में बना, अलग अलग जगह में लोगों ने होम रूल की एस्टैब्लिशमेंट होम रूल को एस्टैब्लिश किया। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने बॉम्बे में होम रूल लीग को कायम किया था। सो इन 1916, राइट, प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, राइट, सुब्रमण्य अय्यर, राइट, सत्येंद्रनाथ बोस, राइट, एंड एनी बेसेंट, ये कुछ अहम नाम शामिल थे, आप चाहो उसको नोट्स कर सकते हो, राइट। डिमांड, मेन थीम क्या था इसका, डिमांड ऑफ होम रूल, राइट।
होम रूल और सेल्फ गवर्नमेंट। राइट, और इस तरीके से देखा जा सकता है कि, लेकिन फाइनली जो एक बहुत बड़ा मामला होता है कि हाँ होम रूल लीग को हमने एस्टैब्लिश कर लिया, बाल गंगाधर तिलक अलग चला रहे हैं वहां पर, एनी बेसेंट अलग उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार मामला क्या होता है 1918 में या फिर 1919 में, बेसिकली 1918 से ही स्टार्ट हो जाता है इसका डिक्लाइन होना कहीं ना कहीं। और 1918 में जब मॉन्टेक चेम्सम रिफॉर्म एक्ट को लाने के बारे में बात की जाती है, उस एक्ट को लागू किया जाता है, तो यहां पर होम रूल लीग एनी बेसेंट वहां से विड्रॉ कर देती है, राइट, और वो सेटिस्फाई हो जाती है। दरअसल बात यह कि जो ब्रिटिश ने अब जो एक्ट पास करना था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट जो पास करना था, उसके हिसाब से उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको देखकर ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो गई थी, और यहां से वो विड्रॉ कर देती है, ये कमजोर हो जाती है आखिरकार, और यहां से वो डिक्लाइन होता नजर आ रहा है, और इस तरीके से होम रूल लीग जो है अपने डिक्लाइन को पहुंचती है। राइट, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू वेरी मच।